ये मेरे होस्ट अब्दुल वहाब, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम जिस वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों आज हम बात करेंगे बोनिसान सिरप के बारे में, ये किस लिए इस्तेमाल होता है, इसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं और इसकी क्या डोज है और बच्चों के लिए किस तरह ये मुफीद है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। चलें दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जी दोस्तों आज हम बात करेंगे बोनिसान सिरप के बारे में, यानी बोनिसान सिरप किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसकी डोज क्या है। दोस्तों बोनिसान, ये एक बोनिसान सिरप है जो आप देख रहे हैं, ये हाइकॉन फार्मास्यूटिकल का है। ये देखें हाइकॉन लेबॉरेटरी LTD, ये स्पेशली बच्चों की नशोनुमा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये तो हमारे पास एक सैंपल पड़ा हुआ था, ये तकरीबन 200 रुपये का है। ये जो शीशी है 200 रुपये की है, ये किन किन चीज़ों के लिए काम करती है, इसके क्या फ़ायदे हैं। ये एक हर्बल सिरप है जो एलोपैथिक हाइकॉन मेडिसिन कंपनी बना रही है। ये बोनिसान के ब्रांड के नाम से पाकिस्तान में आता है। ये बोनिसान सिरप छोटे बच्चों के लिए स्पेशली आफ्टर बर्थ, यानी जो पैदा होने के बाद वाले, यानी छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी डाइजेशन करता है, और ये बड़े बच्चों यानी दूध पीने वाले बच्चों के लिए भी डाइजेशन के तौर पे काम करता है और इसके बहुत सारे फायदे हैं। दोस्तों ये एपिटाइट को अप्रूव करता है, यानी बच्चों में भूख वगैरह को बढ़ाता है, उनकी कमी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, बच्चों के वज़न को भी बढ़ाता है और इनकी नशोनुमा भी करता है, और ये बदहजमी की वजह से पेट में जो दर्द होता है, गैस वगैरह हो जाती है, उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए इसके और भी ज़्यादा फ़ायदे भी हैं। ये बच्चों के लिए एक स्पेशल दवा है, बच्चों के लिए एक मुकम्मल, इसको कहते हैं हेल्थी बेबी के लिए एक बेहतरीन चीज़ है। अब हम इस बात करें इसकी डोज के बारे में। दोस्तों ये वैसे तो ये दवा डॉक्टर की हदायत के मुताबिक इस्तेमाल करनी चाहिए हर दवा। मैं तो एक रिव्यू देता हूँ हर मेडिसिन के बारे में, उसकी मुकम्मल तफसीलात इसमें मेंशन की गई हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि बोनिसान की क्या डोज होती है। छोटे बच्चे की डोज के बारे में, यानी बोनिसान की डोज़ क्या है, बच्चों को हमने किस डोज में देना है। तो छोटे बच्चे जो इन्फेंट होते हैं, वैसे तो इस पे मुकम्मल तरीक़ाकार मेंशन किया गया है, इसमें से भी आप देख सकते हैं उर्दू में टाइप किया गया है, इधर शायद इंग्लिश में भी हो, ऊपर इंग्लिश में टाइप किया गया है। दोस्तों जो छोटे बच्चे यानी इन्फेंट होते हैं, यानी एक महीने से छोटे बच्चे जो होते हैं, उनके लिए आधा चाय का चम्मच सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल किया जाता है, और जो बड़े बच्चे होते हैं यानी 6 माह तक के जो बच्चे होते हैं उनके लिए 1 चाय का चम्मच सुबह दोपहर शाम। यानी जो इन्फेंट यानी 6 माह से छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए आधा चम्मच, और जो बड़े बच्चे होते हैं उनके लिए पूरा 1 चाय का चम्मच सुबह दोपहर शाम, और जो 6 माह से बड़े बच्चे होते हैं उनके लिए 2 चाय के चम्मच सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल किए जाते हैं। दोस्तों ये एक अच्छी दवा है जो बच्चों की बेहतरीन नशोनुमा करती है, उनका वज़न बढ़ाती है। इकोनॉमिकली ये 200 रुपए की महंगी है, लेकिन अगर इसकी कंपोजिशन को देखा जाए तो ये ज़्यादा महंगी नहीं है, इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। दोस्तों अब मुलाकात होगी नई आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।